तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक। आप सभी का अपने चैनल नॉलेज स्पेस में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे लाइफ में कुछ बहुत से टर्निंग पॉइंट आते हैं जो अपने ज़िंदगी के कुछ अलग ही मोड़ दे जाते हैं। वैसे ही 10th के बाद अपना करियर डिसाइड करना अपने लाइफ को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जी हाँ, आज का वीडियो आपको आपका करियर डिसाइड करने में कुछ मदद करे इसलिए बनाया है। स्कूल लाइफ में आपको कोई नहीं बताता कि आपको आगे कौन से फील्ड में जाने का मौका मिल सकता है। सभी लोग नॉर्मली आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स इसके बारे में ही बताते हैं, जबकि ये बस कोर सब्जेक्ट्स है किसी भी बड़े फील्ड में जाने के लिए, जो सब नहीं बताते हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपका करियर चूज़ करने से पहले उसके बेसिक सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं। 10th के बाद सबसे पहले होता है कि आर्ट्स ज्वाइन करें, साइंस या कॉमर्स या फिर डिप्लोमा। तो अब देखते हैं, अगर आपको प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, टीचर, राइटर बनना हो तो बेसिकली आर्ट ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिफेंस सर्विस में जाना हो तो आप आर्ट ब्रांच से 12th करके इंडियन आर्मी में जा सकते हैं NDA की एग्ज़ाम देकर, जो IAS, IPS, IFS, IRS ऑफिसर जैसे सिविल सर्विसेज में करियर करना चाहते हैं वो भी आर्ट ब्रांच से ईजिली कर सकते हैं। वैसे तो साइंस का और कॉमर्स स्टूडेंट भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स का सिलेबस सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस जैसा होता है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स में जाने के लिए साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। 12th साइंस कैंडिडेट्स NDA एग्ज़ाम देकर नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हैं। आर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, ऐसे कई कोर्स करके अपना मनपसंद करियर डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स फील्ड बहुत ही बड़ा फील्ड है। जो स्टूडेंट फाइनेंस, मैनेजमेंट, टैली, अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो कॉमर्स में जाते हैं। कॉमर्स से आपको आगे कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हैं LLB का एग्ज़ाम देकर, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन में से आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA, लॉयर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी और MBA कोर्सेज। मैनेजर, CEO, CAA बनने के लिए कॉमर्स फील्ड में मैनेजमेंट के लिए MBA कोर्स होता है, जहाँ CAT एग्ज़ाम पास करने के बाद एडमिशन मिलता है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए CS का एग्ज़ाम होता है, जो कि आप अपने BCOM डिग्री करने के साथ दे सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको डिग्री के साथ CPT एग्ज़ाम देना होता है। वो पास होने के बाद IPCC 1-2 और उसके बाद आर्टिकलशिप देना होता है। ये सभी जॉब्स इंडिया के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में गिने जाते हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। NDA में जाने के लिए NDA यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑफिसर कमांडर पोस्ट के लिए भी आप इंडिया में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जाने जाते हैं। जितने कि किसी भी सिविल सर्विसेज को पेइंग स्केल नहीं होती है, उनको NDA में होती है उतनी। तो जो भी देश के डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, 10th के तुरंत बाद NDA का एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू कर दे, जो कि आप 19 से 20 साल तक ही दे सकते हैं। तो आपके पास केवल 3 या 4 अटेम्प्ट ही होंगे। अब आते हैं साइंस फील्ड पे। भारत का सबसे बड़ा फील्ड माने जाने वाला फील्ड है साइंस, इन द सेंस ऑफ एक्नोलॉजमेंट ऑफ नॉलेज। 11th-12th साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स ले सकते हैं, लेकिन 11th-12th आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट 12th के बाद साइंस फील्ड में नहीं जा सकते। एक्सेप्शन है BSc IT। डिप्लोमा भी साइंस फील्ड में ही आता है वैसे तो। जिनको टेक्निकल स्टडीज़ या फिर इंजीनियरिंग करना कन्फर्म रहता है, वो सभी डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिलता है। साइंस फील्ड से आप प्रोफेसर, लैब टीचर, टेक्नीशियन या फिर नॉर्मल कंपनी असिस्टेंट बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स 11th-12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते हैं, वो कौन से भी सब्जेक्ट में BSc कर सकते हैं। नीट, CET एग्ज़ाम देकर मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर यानी कि MBBS, BHMS, BAMS, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन आते हैं। और उनके अलावा फार्मेसी या फिर नर्सिंग को भी आप अपने करियर अनुसार जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी एज ऑप्शन छोड़कर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट लेते हैं, वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते। बाकी स्टूडेंट्स 12th साइंस करने के बाद CET या फिर JEE एग्ज़ाम देकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। CET एग्ज़ाम तो स्टेट लेवल पर ठीक है, अगर आपको IIT, NIT, IIIT, IISc जैसे कॉलेज से डिग्री करना हो तो आपको JEE मेन्स एग्ज़ाम पास करना होता है, और JEE मेंस क्लियर कैंडिडेट्स JEE एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। JEE एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आप सभी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। JEE एग्ज़ाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से माना जाता है। इंजीनियरिंग के लिए 12th में मिनिमम 60% होना ज़रूरी है।
तो ही आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल छोड़ के साइंस की कई और ब्रांचेस है। जिन्हें मैकेनिकल या फिर मरीन वर्क्स पसंद है वो BSc मैकेनिकल या BSc मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि हाई पेइंग जॉब्स में से एक है। आप BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस को भी जा सकते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के आसपास की जॉब है। जो स्टूडेंट्स एविएशन या फिर पायलट वर्क करना चाहते हैं वो 12th साइंस के बाद कमर्शियल पायलट प्रोफेशन के लिए एविएशन स्कूल प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर एयर फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोफेशनल पायलट या फिर उनका पे बैंड बहुत ही हाई रहता है। जिन्हें फॉरेंसिक साइंस अच्छा लगता है वो नीट CET एग्ज़ाम देने के बाद बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंडिया के कौन से भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो 12th साइंस के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस या और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करके अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए भी JEE एग्ज़ाम और IIST का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद आप MTech करके एज अ जूनियर साइंटिस्ट काम कर सकते हैं और सीनियर साइंटिस्ट बनने के लिए MTech PhD और कई सारे प्रोजेक्ट पर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये सब थे इंडिया के सबसे नामांकित ज़्यादा जाने वाले करियर ऑप्शंस। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिसे इंडिया में ज़्यादा जाना नहीं जाता या फिर कम समझा जाता है और उनकी वैल्यू अपने नज़रिए से कम समझी जाती है, लेकिन वो भी हाई स्किल डिमांडेड जॉब्स है। इससे पहले आते हैं ITI कोर्सेज, जो कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करता है। अगला है होटल मैनेजमेंट या फिर उसे कहते हैं क्यूलिनरी आर्ट्स। 12th के बाद कोर्स होता है जो कि होटल मैनेजमेंट, बारटेंडिंग, शेफ जैसे क्यूलिनरी आर्ट्स कोर्सेज भी कहा जाता है। ये इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस है, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। 12th के बाद और एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है, वो है एयरलाइन केबिन क्रू। इसके लिए कोर्स होता है, जो भी सिलेक्ट होता है उसे वही एयरलाइन ट्रेनिंग भी देता है। फीमेल को एयर हॉस्टेस कहते हैं और मेल को फ्लाइट स्टूवर्ड्स कहा जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है, जिसमें आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। जो स्टूडेंट्स मेडिकल नहीं जाना चाहते लेकिन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इंटरेस्टेड है वो पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इसमें बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। BSc इन रेडियोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिनरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं या फिर इसके लिए कई डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। 12th के बाद आप कुछ गिने चुने कॉलेजेस से भी क्लासिक इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें करियर करके आप हिस्टोरियन या फिर आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जो स्टूडेंट्स फ्लाइंग स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी कई सारे करियर ऑप्शन है, जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट एविएशन सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसमें डिप्लोमा ऑफ एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेवी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन एवियोनिक्स जैसे टॉप कोर्सेस आते हैं। ये सभी कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिटनेस इंस्ट्रक्टर, रेडियो जॉकी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, न्यूट्रोलॉजी, न्यूट्रिशनिस्ट, डेकोरेटर्स, ऐसे कई सारे कोर्सेज जो आप एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिक्शनरी जो कि आप 10th और 12th के करियर चूज़ करने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जितना हो सके उतने सभी करियर ऑप्शंस आपको बताया है। तो आपका करियर अब आपके हाथ में है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी अपने करियर डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आगे सबसे पहले देखने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।